मसरक प्रखंड क्षेत्र के 17 पंचायतों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नीतीश कुमार सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। राजधानी पटना में भी नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे बिहार में एक साथ उद्घाटन किया। गौर करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय योजना के तहत लोगों को आर्सेनिक और फ्लोराइड मुक्त पानी उनके घरों तक पहुँचाने की योजना बनाई है। इसी के तहत मसरक प्रखंड के बहरौली पंचायत के वार्ड नंबर 11 में निर्माणाधीन जल नल योजना की टंकी का उद्घाटन बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा मुखिया अजीत सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि यदि नल जल योजना का काम इसी तरह से कराया जाए तो सरकार की इस योजना का लाभ सभी लोगों को मिलेगा। वहीं बीडीओ ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के कुछ पंचायत बाढ़ के पानी से डूबे हैं। वहीं 11 पंचायतों में 173 वार्ड में नल जल योजना का कार्य चल रहा है, जिसमें 149 वार्ड में कार्य पूरा कर लोगों के घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचा दिया गया। वहीं 24 वार्ड में कार्य जल्द ही पूरा कर वहां भी पीने का पानी लोगों को मिलेगा। बरौली मुखिया अजीत सिंह ने कहा कि नली गली योजना जहां भी पूर्ण है उसको भी आम जनता के सुपुर्द कर दिया गया है। मुखिया श्री ने कहा कि वहीं हर गली में पक्की नाली का निर्माण हो रहा है, जहां भी कार्य पूरा कर लिया गया है वो आम जनता को समर्पित कर दिया गया है। एटीएन लाइव से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आज पूरे बिहार में 28 अगस्त को नल जल योजना नली गली योजना की विधिवत शुभारम्भ की गई, जिसमें सभी वार्डो में नल जल योजना और नली गली योजना का शुभारम्भ किया गया। यहाँ मसरक प्रखंड में बाढ़ प्रभावित होने के चलते 10 पंचायतों में ही 82 वार्डों में यह आज शुभारम्भ किया गया। यहाँ 173 वार्डों में से 149 वार्ड में कार्य पूर्ण हो चुका है, 24 में कार्य चल रहा है, बाढ़ के चलते प्रभावित है। यहाँ बरौली पंचायत में हमारे वार्ड 11 एवं इसमें 14 का उद्घाटन किया गया। मुखिया प्रतिनिधि श्री अजीत सिंह और पंचायत सचिव सभी लोग उपस्थित हैं, सब लोग को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा यह नल जल का शुभारंभ किया गया और यह नल जल से बहुत लोगों को तो यह लगता है कि बहुत ही फेल्योर योजना है, लेकिन हमारे मसरक प्रखंड के बहरौली पंचायत में पिछले 3 साल से कई वार्डों में हम लोग पानी पिलाते आ रहे हैं और लगभग हमारा 14 वार्ड में पानी सुचारू रूप से चल रहा है और इस बाढ़ के विभीषिका में भी हमारा 14 में से 12 वार्ड का पानी सारे लोगों को पिलाया गया है और अभी भी कंटिन्यू चालू है। 2 वार्ड में चूंकि बोरिंग डूब गया है तो गंदा पानी आने के चलते उसको बंद किया गया है और निरंतर हर समय से पानी देते जा रहा है। सबसे पहले इस विषम परिस्थिति में बाइक से हमारे माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय आए, हम बहरौली पंचायत के सभी वार्ड सदस्य और इस गाँव के जनता की तरफ से इनको तहे दिल से नमन और अभिनंदन करते हैं कि इस बेला में भी हम लोग का सहयोग दे रहे हैं और हमारा यह पंचायत सुचारू रूप से गली नली और मुख्यमंत्री जी का नल जल का योजना का शुभारंभ हुआ और कुछ गली नली का काम बाकी है जो कि हमारा फंड बाकी है। वो पैसा बीडीओ साहब ने आश्वासन दिए कि हम अतिशीघ्र मंगवा देंगे, वो पैसा आने के बाद उसको भी हम लोग पूर्ण कर लेंगे। वो भी आंशिक रूप से 2-3 ही वार्ड का नली गली बाकी है, बाकी मेरा पूरा पंचायत इस योजना को कंप्लीट कर लिया है और आगे भी इस तरह से हमारा पानी चालू रहेगा और यह बहुत ही अच्छी और सराहनीय योजना है।